गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अपना प्लान है यहाँ ब्रेकफास्ट करके केरला की तरफ बढ़ने। तो अंदर करते हैं ब्रेकफास्ट। अजीत भाई लोग पहले पहुँचे हैं, शैलेश भाई पहले पहुँचे हैं। ब्रेकफास्ट करके फटाफट निकलना है दोस्तों, तो आगे का आपको कंटिन्यू दिखाता हूँ, बने रहना। और ये अपन ने स्टार्ट कर दिया है राइड। अजीत भाई आगे, शैलेश भाई पीछे। कुबला बैंगलोर सिटी है। बैंगलोर सिटी हो गए। इधर दोस्तों मैंगलोर सिटी है और अभी अपन केरला जा रहे हैं। केरला ये अपना ससुराल है। बैंगलोर सिटी। अभी अपन लोग मैंगलोर में है दोस्तों। इसको प्यार से मैंगलुरु बोलते हैं, मैंगलुरु। तो वी आर इन मैंगलुरु दोस्तों। अरे आराम से चला दोस्तों। एक चीज़ और मैं को आप लोग को चलती गाड़ी में बताना है कि यहाँ का मौसम फुल ग्रीनरी और बहुत अच्छा लगता है, एकदम ग्रीनरी। बस वाले लोग दौड़ा रहे। ऑलमोस्ट रोड यहाँ का बहुत नीट एंड क्लीन बना है। अभी जस्ट मैंगलोर यहाँ से अपने पास कुछ ही दूर में है और ये उसका बोर्ड है 6 किलोमीटर मैंगलोर। और ये शैलेश भाई आके निकले दोस्तों। मेरे को रियली बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे मैंगलोर सिटी बहुत अच्छा लगा है और मैंगलोर सिटी आसपास लेफ्ट राइट में सभी मस्त दिखेगा। शैलेश भाई की राइड भी देखते रहो। ये नीचे की तरफ देखो मैंगलोर, बिकॉज हम फ्लाईओवर से ऊपर जा रहे हैं, हमको डायरेक्ट केरला जाना है। आज केरला पूरा फिनिश करना है, आगे और कुछ रहेगा वो दिखाना है आप लोग को, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। मैं यहाँ के ब्रिज पर ना दोस्तों जब भी चढ़ता हूँ तो मुझे पता नहीं एक एक्साइटमेंट लगता है। नदी, ग्रीनरी, नारियल, सुपारी दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। मतलब केरला ऑलमोस्ट साउथ एंड केरला कर्नाटका ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ की पब्लिक की ट्रैफिक, यहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन में रोड पे चलते हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं लगता है। और ये भी आई थिंक सो थोड़ा सा ही बचा केरला बॉर्डर स्टार्ट होने के लिए, हम लोग फटाफट चलने की फुल। इंडियन फ्लैग, आई लव माई इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग कोई भी लगाता दोस्तों तो दिल करता सैल्यूट करूँ। यहाँ मस्जिद भी काफ़ी बनी हुई दोस्तों, मतलब इधर सभी देख रहा हूँ मस्जिद मंदिर बहुत दिल से बनाए और सब यूज बनाया दोस्तों। आप लोग को जहाँ जहाँ मेरे को मस्जिद और मंदिर दिखेगा मैं आपको पूरे सफर में दिखा दे। चलो जल्दी फोर्ट पे दोस्तों। ये एक फेमस फोर्ट है केरला में, तो हमने इसको विजिट करना है और अंदर जाते हैं और ये फोर्ट को भी मजे लेते हैं। और वेलकम टू, वी आर गोइंग इनसाइड। सो नाइस फोर्ट, पार्किंग एरिया, बैठे हैं फोर्ट। सो आज अपन जाएंगे केरला के एक फोर्ट में। फोर्ट के अंदर जाते हैं, बहुत गर्मी है और आज फोर्ट का बनाते हैं, जो केरला का एक फोर्ट है। सो वी गो इनसाइड। सो ब्यूटीफुल यार दोस्त, गर्मी बहुत लग रही है पर ठीक है। आप लोग के लिए तो गर्मी इतनी बनती है, गर्मी के बिना अपन कैसे प्रमोट करेंगे अपने लोकेशन को, सॉरी लोकेशन को दिखाएंगे कैसे। सो ये लोकेशन है दोस्तों। केरला में गर्मी तो है, एक्चुअल केरला में नहीं पूरे साउथ में भी गर्मी स्टार्ट हो गई है। मार्च का मंथ है सो मेरा वीडियोज हो सकते हैं कि घर पहुंचने के बाद एडिट कर पाऊंगा, बिकॉज इतना लंबा राइड है हेक्टिक हो जाता है। तो अपन लोग थोड़ा सा उसको बनाने के लिए प्रॉपर टाइम निकालेंगे, रमज़ान में आप लोगों को दिखाते रहेंगे, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को, इंस्टाग्राम को और फेसबुक को। इसका हिस्ट्री दोस्तों आप लोग को मैं हो सकता है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बिकॉज मैं भी डायरेक्ट अंदर घुसा तो आज आई थिंक सो कि कुछ है नहीं पब्लिक इतनी, तो मैं किससे पूछूं क्या करूं। पर कॉर्नर तक जाके देखता हूं क्या क्या है।
तो दोस्तों इसके ऊपर से जब अपन चल रहे हैं तो मैं थोड़ा कॉर्नर पे है, मतलब ये पूरा फोर्ट है, फोर्ट के बाजू में बहुत बड़ा बीच है, आई थिंक सो बीच हो नीचे से कहीं से जाने का होगा, ऑसम बीच है, वाइट वाइट सैंड है, सैंड है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी और सनलाइट, आई थिंक सो कि लगता है नहीं भी तो 35 to 37 degrees है। कोई नहीं, आगे तक जाएंगे देखेंगे पूरा जंगल के अंदर से भी क्या दुनिया दिख रही है दोस्तों। केरला कितना खूबसूरत है, मैंगलोर तो खूबसूरत था ही, मुझे दोनों के दोनों एकदम सेम टू सेम ब्यूटीफुल प्लेस। एक फोर्ट पे है, मैं एकदम से दीवार पे खड़ा हो गया हूँ और जस्ट नीचे अपने है वाव बीच। इट्स नॉट अ वाव बीच नाम है, ये बीच है और नीचे जाने का भी रास्ता होगा बट आई डोंट नो, बहुत गर्मी है तो मैं यहीं से देखता हूँ, है ना दोस्तों। फल धूप एकदम गर्मी लग रही है पर कोई नहीं, फल एकदम गोरे गोरे काले काले हो रहे अपन। और ये रहा अपना बीच एंड फोर्ट एंड दिस इज द समुंदर ओशियन, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन ओशियन ऑल्सो यू कैन से। सो अपन चलते हैं नीचे की तरफ। सो आई थिंक सो दोस्तों ये है कोई पुराना सा घर है, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, अब देखो पूरा जंगल टाइप में, मींस फोर्ट है उसको मेंटेन करने के थोड़ा भारी पड़ता होगा, उधर पे बीच है बट ये फोर्ट पे इतने अंदर भी इन लोगों ने डस्टबिन लगाया है। रियली यार अपने देश को क्लीन रखने का तो पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, अपन पहल करेंगे मीन्स अपन फर्स्ट करेंगे देन अपन पूरे हिंदुस्तान, मैं तो बोलूँ पूरे वर्ल्ड को क्लीन रखना चाहिए अपने को, बट वी आर स्टेइंग इन इंडिया तो अपन लोगों को तो और भी, हम लोगों को और भी ध्यान रखना चाहिए। इतने बड़े सोचो एक फोर्ट में कॉर्नर में कोई जरूरत नहीं, लोग कहीं भी थ्रो कर सकते बट वो अलग ने डब्बा डस्टबिन रखा है उसी में डालने के लिए। सो नाइस ये फोर्ट के व्यू से दोस्तों, आई डोंट नो कि क्या है वो, बहुत ही मस्त लग रहा है, कुछ तो है ठीक है, फिर भी यहाँ से लोग ने ब्लॉक कर दिया है। सो अपन कोई चीज को फालतूगिरी नहीं करेंगे, ब्लॉक है मीन्स ब्लॉक है, अपन नीचे उतरते हैं और आगे चलते हैं। सो दोस्तों अपन और चलते हैं टॉप में, जितनी हालत खराब है होए यहाँ से अपने को भी, आज जो जहाँ रह रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आए हैं फिर वापस जाना है, लेकिन अभी एक फुल हिल है उस पर अपन ऊपर चढ़ेंगे और आप लोग को वीडियो दिखाएंगे। माय फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा व्यू, और ये डाउन का एरिया और ये अप अपन जा रहे हैं। ओहो अपना इंडियन फ्लैग, कितना लंबा बीच है, जाते रहो जाते रहो जाते रहो, दिख रहा है गुड। फिर से नीचे उतरते हैं दोस्तों और निकलते हैं आगे, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, फिर आप लोग से बने रहना, आप लोग को नेक्स्ट कुछ दिखाने का ट्राई करते हैं। चलने के टाइम पे बहुत ब्रेक मारना पड़ रहा है, थोड़ा सा रिस्की है बट ठीक है। आई थिंक सो यहाँ से फोर्ट पे शायद से तोप जाती होगी, उसके लिए लोग ने बनाया होगा रनवे, रोड रोड रनवे नहीं रोड। बहुत गर्मी है दोस्तों, 37 degrees, अरे वाह नीचे से ब्रिज भी बनाया किधर तो जाने का। आई थिंक सो यहाँ से लोग अंदर घुस के उस साइड जाते होंगे,
नहीं, ये यहाँ पे आके कुआं है, फिनिश हो जाता, बावड़ी है। इट्स कॉल कुआं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम्प्टी डम्प्टी। दोस्तों मेरे कैमरे को पकड़ने वाला कोई नहीं है, बट मुझे ये धूप में इतना जबरदस्त पेड़ मिला है तो मुझे अच्छा लगा। मेरा स्किन फिर से यार दोस्तों थोड़ा रेड पड़ गया, कुछ पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा धूप है, बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए धूप भी चलेगा। You can live in my home. Yes, I can. What is your home? Your home. Bye. We are subscribed. I'm coming to your mom and dad also subscribe my channel. Okay. Yes. Yes. We will tell you, my friends, you can subscribe. Yes, please. Yeah. Good. I will leave you, huh? Give me a 5 minutes. Bengaluru. Mangalore, Mangalore. Huh? Mangalore. Thank you. फिश देखो, फिश दोस्तों क्या चमक रही है फिश। और ये है मंदिर और वो है दूसरा क्रोकोडाइल, बाहर निकला उसे। ये है एकमात्र मंदिर है जिसमें वासुकी के ऊपर पद्मनाभ भगवान बैठे। ओके, वासुकी मीन्स स्नेक। अच्छा, तो वासुकी के ऊपर है ना वो। ये दोस्तों वी आर रियली सॉरी कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते, 5:30 तक, 5:30 बजे तक बंद है, बट फिर भी छोटा मोटा आपको क्रोकोडाइल ये सब हम लोग दिखा देते हैं। और अंदर मंदिर का दर्शन आप लोग, बहुत लोग ने वीडियो डाला होगा, देखना। ये कर्नाटका और तमिलनाडु, सॉरी केरला, केरला का बॉर्डर है कासरपोड़म के पास। तो ये आप लोग जरूर देखना, मस्त बनाया मंदिर इन लोगों ने, ऊपर भी अच्छा डिज़ाइन है, नीचे भी है। तो और यहाँ का लोगों का बहुत मान्यता है, तो यहाँ के लोग इसको ज़रूर देखने के लिए आते हैं। तो हम लोग भी सोचे कि मैंगलोर आए तो कर्नाटका भी जाते, कर्नाटका से भी हम लोग केरला भी हो गया, सॉरी कोला करते हुए आज रात को कोला है। दोस्तों आजकल मैं बहुत गलती कर लेता हूँ, थक चुका हूँ दोस्तों, बहुत गर्मी है, लेकिन इस मंदिर में कूल लग रहा है एकदम। नहीं मैं नहीं, वो हमारा एक दोस्त है अजीत भाई, वो है। दोस्तों इस मंदिर का एक सबसे स्पेशल चीज़ क्या पता है, यहाँ एक क्रोकोडाइल है जो मैं आप लोग को जूमिंग में दिखाऊंगा, ये फोटो में मतलब फोटो दिखा रहा हूँ ओरिजिनल भी। यहाँ का मान्यता है कि वो क्रोकोडाइल वेजिटेरियन है, मतलब उसको जो यहाँ के प्रसाद होते हैं जो भी होता है उस मंदिर का प्रसाद उसको देते हैं ना वो खाते हैं। लोगों ने ट्राई भी किया नॉनवेज डालने की, लेकिन ये नॉनवेज नहीं खाते हैं। और ये यहाँ के मान्यता है, तो इसका मतलब ज़रूर होगा ऐसा कि वो क्रोकोडाइल नहीं खाता होगा। बिकॉज देखिए मैं आप लोगों को मार्क करके दिखाता हूँ मेरी उंगली से, क्रोकोडाइल शेड में। अब मेरी उंगली मैं आप लोगों को लेके जाके दिखाता हूँ, ये क्रोकोडाइल है, मैं हटा दिया, ये क्रोकोडाइल है और ये मंदिर है। सो लोग का इधर का मान्यता है, आते हैं लोग देखते हैं, तो आप लोग भी आना। इस मंदिर का नाम है अन्नपूर्णा पद्मासम मंदिर। दोस्तों मेरा थोड़ा सा हिंदी का इशू है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखूंगा, आप लोग उसको जरूर देखते रहना, डिस्क्रिप्शन में तो प्रॉपर लिखूंगा स्पेलिंग के साथ। ये है
मंदिर। सो अपन ने इस मंदिर को कर लिया है, देख लिया दोस्तों, लेकिन पूरा नहीं देखा बिकॉज क्योंकि उधर पे हम लोग को अंदर का टाइमिंग 5 बजे तक का है और अभी बज रहे 4। सो अपन जाते हैं। Telling to my subscriber, right? Bye. Bye. आज का खाना इधर, आज का लंच इधर। टाइम टी रेस्टोरेंट, टाइम टी रेस्टोरेंट। ये अपना खाना है। कहो। यहाँ के नए नए रोड यार कितने औसम बना रहे लोग, चौड़े चौड़े रोड केरला में। केरला में एक्चुअल रोड के ऊपर बहुत काम हो रहा है, हर जगह नदी समुंदर, एक से एक व्यू है यार दोस्तों। मैं अपने ग्लव्स के मजे आप लोग को दिखा रहा हाथ छोड़ के, क्योंकि ग्लव्स बहुत मस्त है लेकिन गर्मी में हालत खराब होता है दोस्तों। कोई नहीं, राइड करेंगे फुल स्पीड में, मजे करते हुए। आप लोग देखो 96 स्पीड में रखते हैं अपन, हैंडल छोड़ दिया बिकॉज इसके अंदर आज अपन ने क्रूज कंट्रोल रखा दोस्तों। ग्लव्स भी मेरा बहुत बेहतर। वेलकम टू उडुपी, ये अपन मैंगलोर पहुंच गए। मैंगलोर वापस हम लोग कर्नाटका पहुंच गए दोस्तों, कर्नाटका। फाइनली अपन लोग दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्यू के साथ मजे लो दोस्तों, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक दो और प्यार दो।